वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान और आयुष शर्मा की अपकमिंग फिल्म यानी कि अंतिम द फाइनल ट्रूथ के ट्रेलर के बारे में। तो ये फिल्म जो है साल 2018 में आई मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। तो कल शाम को ही हमने हमारे चैनल पर मुंशी पैटर्न के रिव्यू को अपलोड किया था। वहां पर हमने बात की थी कि उस फिल्म के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से उसका रीमेक जो है यहाँ पे हिंदी में बनाया जा रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, कोई स्पॉइलर आपका वहां पर नहीं होने वाला है। तो उस फिल्म को कली देखने के बाद आज जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, तो ट्रेलर को देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है उसे मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं, तो ट्रेलर जो है मुझे ओवरऑल काफी अच्छा लगा। कहना चाहूंगा कि 3 मिनट लंबा ट्रेलर होने के बावजूद भी फिल्म ने यहां पे कहीं पर भी ट्रेलर के द्वारा अपनी पूरी कहानी को रिवील नहीं किया है। इसे अभी तक ट्रेलर के अंदर केवल एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म के तौर पर प्रेजेंट किया गया है, जहां पर कहना चाहूंगा कि यह फिल्म जो है उससे कई ज्यादा है। फिल्म काफी सारे मैसेज देने की कोशिश करती है, जो आपने अगर मराठी फिल्म देखी होगी तो उसमें आपको पता चलेगा। इसके अलावा यहां पर जो डायलॉग्स हमें सुनने को मिल रहे हैं, मैंने कल ही वीडियो में कहा था कि अगर मुंशी पैटर्न फिल्म के जो डायलॉग्स हैं उन्हें यहां पे अंतिम में एज इट इज यूज किया जाए तब भी उसका इंपैक्ट जो है काफी अच्छा खासा पड़ सकता है। और आपने अगर नोटिस किया हो तो यहां पर कुछ वही डायलॉग्स आपको सुनने को मिलते हैं जो मराठी वर्जन में थे, खासकर कि वो जो प्लास्टिक वाला लाइन है वो आपको सुनने को मिलता है, वहीं पुलिस वाला जिस तरह से अपने आप को डिस्क्राइब करता है वो लाइन, काफी चीजें काफी डायलॉग्स को यहां पे यूज किया गया है, जिनमें अगर मैं बात करूं तो उन डायलॉग्स को सलमान खान ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया है। उनके लिए जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो भी काफी बेहतरीन है। इसके अलावा एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप यहां पे मुंशी पैटर्न फिल्म से कंपेयर करोगे तो वो फिल्म जो है एक पूरी तरह से रॉ इंटेंस ड्रामा फिल्म थी, क्राइम ड्रामा फिल्म थी। और अंतिम द फाइनल ट्रूथ जो है कहीं ना कहीं देखकर ही पता चलता है कि इसे एक कमर्शियल ट्रीटमेंट के साथ बनाया गया है, और ये फिल्म कहीं पर भी वो रॉ और इंटेंस ट्रीटमेंट के साथ बनाई नहीं गई है। मतलब अगर आप वो रॉ और इंटेंस ट्रीटमेंट अगर आप यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो मिसिंग होगी। पर अगर एक कमर्शियल फिल्म के तौर पे अगर आप इसे देखोगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट है, जो प्रेजेंटेशन ट्रेलर में नजर आ रही है, वो मुझे काफी डिसेंट लगी। इवन अगर ट्रेलर के अंदर देखोगे कुछ चेस सीक्वेंस भी आपको देखने को मिलते हैं, उसे भी काफी अच्छी तरीके से यहां पे फिल्माया गया है। तो फिल्म के डायरेक्टर है महेश मांजरेकर, जो यहां पे मुंशी पैटर्न फिल्म का भी हिस्सा थे, तो उन्हें पता था कि फिल्म की मेकिंग वगैरह कैसी हुई है, किस तरह से चीजों को एग्जीक्यूट करना है। तो उनका जो एक्सपीरियंस था मुंशी पैटर्न फिल्म का उसे कहीं ना कहीं उन्होंने यहां पे यूज किया है, जिसे आप साफ साफ यहां पे ट्रेलर के अंदर देख सकते हो। जहां पे मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट को अगर आप थोड़ा सा साइड में रखोगे तो मेकिंग वाइज फिल्म जो है काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। इसके अलावा इस ट्रेलर का जो एक और सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। ट्रेलर में सुनाई देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक इस ओवरऑल ट्रेलर को और बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करता है। इस ट्रेलर का एकमात्र जो नेगेटिव पॉइंट है, जो मेरी नजर में एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पर सामने निकल के आता है, वो है यहां पर आयुष शर्मा की परफॉर्मेंस। कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस यहां पर ट्रेलर के अंदर देखने को मिल रही है, उनके एक्सप्रेशन के बारे में कहूं तो एक्सप्रेशन जो है ओके है, ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, कुछ बहुत खराब भी नहीं है। पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो उनकी डायलॉग डिलीवरी में है। उनकी डायलॉग डिलीवरी जो इस ट्रेलर में सुनने को मिल रही है वो कहीं पर भी उस कैरेक्टर के फ्लेवर को हमारे तक पहुंचाने में कामयाब नहीं होने वाली है, इतना तो इस ट्रेलर में देखकर लग ही रहा है, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी उनकी पूरी तरह से फ्लैट नजर आ रही है। और कितना भी अच्छा डायलॉग क्यों ना लिख लो, जब तक उसे अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं किया जाएगा ना, तो उसका इंपैक्ट जो है कहीं पर नहीं पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं आयुष शर्मा की डायलॉग डिलीवरी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिंग स्किल्स जो है इस फिल्म के लिए शायद कुछ पॉइंट्स पर मैं कह सकता हूं कि नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकती है, और यही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है कि फिल्म में सलमान खान का जो रोल है उसे थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। अगर मुंशी पैटर्न फिल्म देखोगे तो वहां पर जो पुलिस ऑफिसर का रोल था वो उतना ज्यादा नहीं था, पर हर जगह पर यही सुनने को मिल रहा है कि सलमान खान का जो रोल है यहां पर थोड़ा सा एक्सटेंडेड रोल उनका डाला गया है। पर वही दूसरी तरफ मुंशी पैटर्न फिल्म के अंदर जो ओम भुतकर का रोल था वो सबसे ज्यादा था। और फिर से एक बार मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ओम भुतकर ने जो परफॉर्मेंस वहां पर मराठी फिल्म के अंदर दी थी मुंशी पैटर्न के अंदर, उसके आसपास की भी परफॉर्मेंस यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि आयुष शर्मा के द्वारा देखने को नहीं मिलती है। तो मैं जानता हूं इस चीज से वही लोग रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने मुंशी पैटर्न फिल्म देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी होगी उन्हें आयुष शर्मा का कैरेक्टर ओके ओके लगेगा, थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लगेगा कि हाँ, उम्मीद जगाएगा कि हाँ वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज जिसने भी मुंशी पैटर्न फिल्म देखी है उन्हें पता है कि उस लेवल की परफॉर्मेंस यहां पर आयुष शर्मा के द्वारा तो देखने को नहीं मिल रही है। पर सलमान खान कह सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर के रोल में, एक सरदार के रोल में काफी जच रहे हैं। और ट्रेलर के अंत होने से पहले उनका एक डायलॉग आता है जहां पर वो बोलते हैं तू अभी पुणे का भाई बना होगा, मैं पहले से हिंदुस्तान का भाई हूं। तो वो डायलॉग जो था बहुत ही मजेदार था। तो कहना चाहूंगा कि डायलॉग्स बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। फिल्म की कहानी, फिल्म का सब्जेक्ट, फिल्म का स्क्रीन प्ले अगर एज इट इज यूज किया जाता है तो ऑलरेडी बहुत ही दमदार है। पर यहां पर पूरा का पूरा दारोमदार जो है यहां पर सलमान खान और आयुष शर्मा के ऊपर आने वाला है, जहां पर कह सकते हैं कि सलमान खान बहुत ही एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस एक्टर हैं तो वो अपना काम अच्छी तरीके से कर लेंगे, पर आयुष शर्मा के केस में अभी भी डाउट बना हुआ है जो कि फिल्म रिलीज होने के बाद ही क्लियर होगा। तो ये था मेरा ओपिनियन इस ट्रेलर को लेकर। आपने अगर ये ट्रेलर देख लिया है तो आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।